नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि IRCTC रेल कनेक्ट ऐप में ट्रेन टिकट कैसे कैंसिल करते हैं। तो इसी टॉपिक्स पर हमारा यह वीडियो है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर बिगिन, आप हमारे चैनल SKG टेक को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए हम सबसे पहले IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को ओपन करते हैं और ये देखिए हमारा ये जो ऐप है ओपन हो रहा है, इसे ओके कर देते हैं। और तो ये हमारा जो ऐप है ओपन हो चुका है, अब हमें इसमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो आप लॉगिन कर लीजिएगा, तो आप देख सकते हैं मैंने लॉगिन कर लिया है ऐप IRCTC रेल कनेक्ट ऐप में। तो अब हमें क्या करना है, आपके सामने इस पर का इंटरफेस आएगा जब आप इसमें लॉगिन कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, कैंसिल टिकट पर क्लिक करना है। तो जितने भी आपने ट्रेन टिकट बुक किए होंगे वो यहाँ पे शो होने लगे, जैसे कि मैंने एक ये टिकट बुक किया है और एक ये किया है। तो मैं इसमें से ये वाला कैंसिल करने जा रहा हूँ, ये सेकंड वाला, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, देखिए मैंने ये टिकट बुक किया था, कन्फर्म हो चुका था, अब मैं इस कन्फर्म को कैंसिल कर रहा हूँ। ये मैंने, ये आप देख सकते हैं जानकारी। तो अगर आपने एक से ज़्यादा टिकट बुक किया है तो आप यहाँ से, और सारे कैंसिल करना चाहते हैं तो आप यहां सेलेक्ट ऑल कर दीजिए, तो आपके जितने भी टिकट हैं वो सारे कैंसिल होंगे। अब सिर्फ आपने एक ही किया है तो आप एक करना चाहते हैं तो उस पर आप ऐसे टिक कर सकते हैं, ओके। और उसके बाद आपको ये मेरा कंफर्म हो चुका था टिकट, मैं इसे अब कैंसिल करना चाहता हूं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आपके साथ ये नॉलेज शेयर कर रहा हूं। तो चलिए हम आप नीचे देखिए, अभी ये देखिए चार्टिंग स्टेट चार्ट नॉट प्रिपेयर नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, कैंसिल वाले बटन पर क्लिक करेंगे और इसकी ये पूछ रहा है कंफर्म कैंसिलेशन, डू यू रियली वांट टू कैंसिल टिकट, क्या आप सच में ट्रेन टिकट कैंसिल करना चाहते हैं। तो हम कह देंगे कंफर्म पर क्लिक कर देंगे, तो ये कैंसिलेशन टिकट, तो हमारा जो है ना ट्रेन जो टिकट है वो कैंसिल्ड हो चुका है। आप देख सकते हैं करंट स्टेटस जो है ना कैंसिल्ड बता रहा है। और ये जो रिफंड अमाउंट है ये मुझे 55 रिटर्न करने वाले हैं, क्योंकि मैंने स्लीपर में बुक किया था तो इनके कुछ रूल्स रहते हैं, 120 रुपये तो स्लीपर का चार्ज ही कट जाता है जब अपन कैंसिल करते हैं ट्रेन टिकट। मैंने 186 रुपये में इससे जो है ना टिकट बुक किया था, तो ये मुझे 55 रिटर्न करने वाले, मतलब मुझे 130 रुपये का लॉस हो चुका है। इसके अलावा फ्रेंड्स इनके कुछ रूल्स रहते हैं, आपको रूल्स को पढ़ लेना है, उस हिसाब से जो रिफंड है वो रिटर्न आता है कि इसी का चार्ज, किसी का टिकट को अगर कैंसिल कर दो इतना कटेगा, तो आप पढ़ लीजिएगा। और मैंने UPI से पेमेंट किया था तो जो रिफंड है 2 से 3 दिन मेरे UPI लिंक बैंक अकाउंट में शो होने लगेगा, रिटर्न आ जाएगा मुझे। इसके अलावा अगर आपने डेबिट क्रेडिट UPI वगैरह से या वॉलेट से किया है तो आपको 2 से 3 दिन वेट करना है, आपका रिफंड आपको अकाउंट में आ जाएगा, रिटर्न आ जाएगा। तो आप रिफंड हिस्ट्री में जाके आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, वैसे जो रिफंड है 2 से 3 दिन में आएगा। मेरा जो रिफंड है वो रिटर्न आ चुका है तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो जो मेरा रिफंड स्टेटस है वो अभी ये शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। मैं अभी आपको मैसेज भी दिखा दूंगा, रिफंड स्टेटस सेंड टू बैंक, तो जो रिफंड है मेरे UPI बैंक अकाउंट में आ चुका है, ओके। तो आपको 2 से 3 दिन वेट करना है, और अगर नहीं आता है, मान लीजिए 2-3 दिन के भीतर अगर आपका रिफंड नहीं आता है, तो आप जो है ना आपको सिंपली करना है कि राइट साइड में मोर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है और आपको कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये सब कस्टमर केयर के जो नंबर है वो शो होने लगेंगे, ये आप देख सकते हैं, फॉर रेलवे टिकट बुक थॉट IRCTC कस्टमर केयर नंबर, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। आप हिंदी इंग्लिश में बात कर सकते हैं इस पर, तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये नंबर शो हो रहा है, आपको कोई भी इशू है तो आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं, ओके ओके फ्रेंड्स। तो आपको रिफंड रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो आपको इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट, मेरे तो वैसे तो 48 घंटे के भीतर रिफंड आ ही जाता। तो फ्रेंड्स जो मेरा रिफंड है वो मुझे जो है ना रिसीव हो चुका था, देख सकते हैं आप, ये 55 रुपये रिसीव फ्रॉम IRCTC ऐप UPI। तो फ्रेंड्स मैंने 186 में बुक किया था टिकट और मुझे 55 रुपये रिफंड हुआ है। तो फ्रेंड्स ये थी जानकारी, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में इस बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको मिलती रहे।